वहीं छिंदवाड़ा जिले की दमुआ से सारणी डब्ल्यूसीएल खदान के मजदूर 7 गाड़ियों में सवार होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंच गए। निरीक्षण के लिए निकले एसडीएम और सीएल चिनाप ने एक साथ इतनी गाड़ियों को देखा तो उन्होंने गाड़ियों में सवार लोगों से पूछा। एसडीएम ने इसकी सूचना जिसके बाद एडिशनल एसपी को दी तो वो भी तुरंत मौके पर पहुंचे। दोनों ही अधिकारियों ने पहले कोल कर्मियों से उनके बैतूल आने का कारण पूछा और इसके बाद जमकर फटकार लगाए। कोल कर्मियों ने बताया कि वो लोग बैतूल में काम करते हैं और इसलिए उनका आना जाना बना रहता है, लेकिन अब उनके आने जाने पर ही पाबंदी लगा दी गई है, इसलिए वो कलेक्टर से परमिशन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अपनी तरफ से छिंदवाड़ा के जो कोल माइंस में जो वर्कर हैं वो उन लोगों की कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई थी। उन लोगों का कहना है वो अब डाउनर्स हैं और उस संबंध में उनके नाइट में ही आदेश मिला है कि उनको वहाँ रहते हुए कार्रवाई जो कार्य है वो करना है, लेकिन चूँकि उन लोगों के पास कोई भी रहने का अभी तक कोई क्वार्टर या नहीं है इस संबंध में, जैसा कि उनको बताया उन लोगों द्वारा बताया गया है, और इसके अलावा जो मैनेजमेंट से वहाँ से बात हुई है तो वहाँ से एक आदेश निकला है। अब इस पे चूंकि सब लोग यहाँ पे आए थे उनको समझाइश दी गई, लेबर क्लास है और वो ये यही बता रहे थे कि मैम हम लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं पता था और हम परमिशन लेने के लिए कलेक्ट्रेट में आए थे कि हमको चूँकि क्वार्टर्स या रहने का नहीं है यहाँ पे लोकल में, तो इसलिए हम लोगों को परमिशन मिल जाए। तो उनको प्रॉपरली समझाइश